तो ये है मेरे पास सैमसंग M31 और M31 में जो अपडेट आया है, अपडेट आने के बाद बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी, तो कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे यहाँ पे बोला अपडेट आने के बाद अंततः बेंचमार्क यहाँ पे स्कोर चेक करो कितना आ रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड 10 में जो अंततः बेंचमार्क स्कोर था वो मैंने ऑलरेडी चेक कर दिया था, अगर नहीं देखा तो आई बटन वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप बारी है एंड्रॉयड 11 में यहाँ पे कैसे अंततः बेंचमार्क स्कोर आता है, क्योंकि ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्सन दिखा देते हैं कि कौन सा वर्सन ऑलरेडी मेरे पास है। तो जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहा है 1 UI कोर वर्सन 3.0 एंड्रॉयड 11 और सिक्योरिटी पैच है आपका जनवरी 2021। और यहाँ पे हम करने वाले हैं आज सैमसंग M31 का अंततः बेंचमार्क स्कोर कितना आ रहा है आफ्टर एंड्रॉयड 11 1 UI 3.0 अपडेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या हो रहा है स्कोर। जो स्कोर आया है वो 1,90,530, सीपीयू का स्कोर आया है 58,845, जीपीयू का 47,266 और मेमोरी का आया 45,385। तो मुझे याद नहीं है यहाँ पे सैमसंग M31 का जब मैंने एंड्रॉयड 10 में स्कोर किया था तो कितना था, अगर याद रहेगा तो मैं यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख दूंगा। तो और वो वाला वीडियो में भी वो वाला वीडियो भी मैंने आई बटन में दे दिया, अगर आप चेक सकते हो। तो सैमसंग M31 का यही था एंड्रॉयड 11 1 UI 3.0 अपडेट के बाद अंततः बेंचमार्क स्कोर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही, बाय।